आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। ऐसा ही एक सपना बुलंदशहर के छोटे से गांव में घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले एक मजदूर के बेटे ने देखा, और वो भी भारत की सबसे कठिन और बड़ी यूपीएससी परीक्षा का। पवन कुमार, वो नाम जिसे आज तक किसी ने सुना नहीं था, आज उसने यूपीएससी परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। माँ बाप ने मनरेगा की मजदूरी की, पढ़ाई में थोड़ा खर्च बहनों ने उठाया और पवन कुमार तैयारी करते रहे। घर में रसोई गैस नहीं है, छप्पर की छत है, मजदूरी से कमाया पैसा आधा बच्चे की पढ़ाई में जाता रहा, लेकिन पवन कुमार ने सफलता हासिल कर देश के ऐसे लाखों लाख गरीब बच्चों को बड़ी प्रेरणा दी है। पवन ने 2017 में नवोदय स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की, इसके बाद इलाहाबाद से बीए की परीक्षा पास की। बाद में वो दिल्ली के कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। कोचिंग के पैसे बचे नहीं तो उन्होंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी और कामयाबी का झंडा बुलंद कर दिया। मजदूर के बेटे की सफलता के बाद परिवार के साथ पूरे गांव में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।